वेलकम टू शेफ शीरो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर घर पे बच जाए ग्रेवी, कुछ चीज़ बनी हो जैसे चिकन मटन या कुछ भी, ग्रेवी अगर ज़्यादा बच गई है तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। वैसे तो इसको फ्रेश ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, उसके लिए आप एग करी की रेसिपी देख सकते हो। बची हुई ग्रेवी को आज हम बनाएंगे ऑमलेट करी। ऑमलेट करी लेने के लिए बारीक प्याज काटेंगे, 4 अंडे लेंगे और इसको फेंटने के लिए, विप करने के लिए ग्लास में करेंगे। सबसे बेहतरीन विपिंग ग्लास में होती है। छोटे छोटे जो ठेले वगैरह लगे रहते हैं वहाँ पे भी इसी से करते हैं, और यकीन मानिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट से अच्छा स्वाद हमें उन छोटे छोटे ठेलों में आता है। सो इस तरह से विप करना है ऑमलेट बनाने के लिए, फेंटना है अंडों को और उसमें प्याज ऐड कर देनी है। अब चूंकि ऑलरेडी ग्रेवी रेडी है सो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले और नमक वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे हम। एक पैन लेना है, पैन में हमने बटर डालना है, अच्छे से इसे पिघलाना है, गर्म करना है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, छोटा वाला जो आता है पैकेट वो हमने डाला है, इस्तेमाल किया है इसमें। और डायरेक्ट जो हमने विप्ड एग यानी फेटा हुआ अंडा था प्याज के साथ, वो हमने इस तरह से ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं बेहतरीन ऑमलेट रेडी हो रहा है। इस तरह से थोड़ा हिलाएंगे सो जो लिक्विड है वो पूरा फैलेगा, और इसको हमने स्टाइल से पलट दिया है। आप मतलब पहले ट्राई करिएगा, परफेक्ट होइएगा, एक्सपर्ट होइएगा, फिर पलटिएगा, अदरवाइज़ आप नॉर्मली पलटे से पलट सकते हैं। और इसको डायरेक्ट प्लेट में हमने इस तरह से निकाल दिया है। शानदार गोल्डन ऑमलेट पका हुआ पूरा अंदर से तैयार हुए। अब हमने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेना है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे लीजिए। जीरा डालना है, फ्लेवर इन्हेंसर स्पाइसेस ही यूज़ करेंगे। हींग डालना है हमने, हल्का सा वाइट पेपर एंड कटे हुए अनियन। इसे फ्राई करेंगे, देख सकते हैं आप। और ऑमलेट को एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली कट लगा के इसको पीसेस में कर लीजिएगा। जैसा आप देख सकते हैं बर्फी स्टाइल कटिंग ऑमलेट का हो चुका है। पलटे की मदद से हल्के लाल हो चुके हैं प्याज। ग्रेवी में से तेज पत्ता, लौंग, होल रेड चिली छोड़ करके जितने भी मसाले होंगे वो सब हटा लीजिएगा। और अगर आपको इसकी ग्रेवी रेडी करनी है सो एग करी वाली ग्रेवी आप देख सकते हैं। एग करी वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें 1 कप पानी डाल के इसे गर्म करना है और सारे पीसेस हमने इसमें ऐड करना है ताकि पूरा स्पाइसेस का एसेंस ऑमलेट अंदर तक अपने संभाले, ग्रास्प कर ले और पूरा लजीज जूसी अंदर तक बने। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं, हमने सिर्फ वाइट पेपर ऊपर से छिड़का हुआ है। ऑलरेडी मसाले थे इस ग्रेवी में, वो तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, खाना फेंकना नहीं चाहिए, बचपन से हमें सिखाते आए हैं और कई जगह हमें बताया गया है। वैसे डिशेस कई जगह खाई जाती हैं, बंगाल में ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। हालांकि आजकल तो हर जगह की डिशेस, हर जगह यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो चुकी है। अब देखिए पक चुका है, हमने ऑमलेट के पीसेस निकाल के प्लेट में रख लिए और ये बेहतरीन शानदार ग्रेवी उनके ऊपर डाल दिया है। इस तरह से हमने बची हुई ग्रेवी का इस्तेमाल कर लिया और एक नई डिश भी रेडी कर ली। आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रोटी के साथ गर्मा गर्म खाइए, बेहतरीन बेट, इससे अच्छा डिश आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक रीकैप, हम टिकटॉक में भी हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमें फॉलो करें ताकि शॉर्ट वीडियोस आप वहां से भी देख सकते हैं। पसंद आया हो सो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ऑल ओवर इंडिया, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने कमेंट हमें करते रहिए। देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत।